वेलकम बैक वंस अगेन टू अस्लमशाह स्टेडियम कराची के जहां पर खेला जा रहा है बदर एक्सपो KHPL और साथ साथ जो दूसरा मैच है वो खेला जाना है DHA दबंग वर्सेस क्लिफ्टन गाजीज के दरमियान. The news from the center that Clifton Ghazis have won the toss and they have decided to bat first. पहली गेंद जिसको हिट करने के लिए गए लेकिन बीच हो गए और बॉल जो थी वो चली गई. अच्छा खासा हमने देखा बाहर की तरफ स्विंग हुई और सीधे बैट के साथ उठाकर खेला है. बॉल जा रही है बिल्कुल बाउंड्री के बाहर बल्कि स्टेडियम से बाहर. शानदार पहला छक्का इस मैच का. बिल्कुल बड़ा शानदार शॉट खेले हैं बड़ी जान के साथ खेले हैं. बॉल को लगाया ठिकाने स्टेडियम के बाहर 6 रन के लिए. जीशान बिल्कुल विविड नजर आ रहे हैं इस ओवर में और इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं. बॉल हवा में देखना होगा और जबरदस्त बुलंदो बाला फलक शिगाफ छक्का. और असद शाह ने बहुत ही अच्छा पिक किया रिवर्स स्विंग होती हुई गेंद को. और इस दफा इसको जबरदस्त क्रैच किया है. ओवर एक्स्ट्रा कवर फॉर द मैक्सिमम. क्या बात है इस छक्के की. ओवर पिच डिलीवरी थी और इसको प्रॉपरली कनेक्ट किया. व्हाट अ लवली टू वॉच. क्या शानदार छक्का और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है. बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरह की लेंथ की बॉल इस तरह का शॉट जाएगा. यूजुअली हम जब क्रिकेट देखते हैं तो ड्राइव खेली जाती है इस तरह की गेंद के ऊपर. बिल्कुल ही हैंडल बॉटम से पिक किया है और पूरी एग्जीक्यूशन आउटसाइड द बाउंड्री वॉल. बेहतरीन शॉट. और असद इसको फिर कनेक्ट करना चाहते थे लेकिन आप देखिए एज लगा. खेलना ऑन साइड पर चाहते थे. बॉल एक्स्ट्रा कवर पर गई. बाउंड्री वेलकम बाउंड्री. फिर मुस्कुराहटें. आई थिंक लक और टैलेंट जो है दोनों साथ दे रही है इस वक्त. एनर्जी बिल्डअप हो रही है और क्योंकि ये जो आइडिया है 2022 का जो स्टार्ट हुआ है पहले ही दिन शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट की ओपनिंग हो गई और हमारी आवाम को और प्लेयर्स को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया एंटरटेन होने का और अपनी स्किल्स दिखाने का. और इस दफा असद का बल्ला रन उगलते हुए शानदार फलक शगाफ छक्का और लगता है कि बॉल स्टेडियम से भी बाहर गई है. बिल्कुल मुझे असद से इसी तरह की एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि असद का जितना मैंने नाम सुना था और क्योंकि मैंने इनको एक दो दफा ही बैटिंग करते हुए देखा है लेकिन आज जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहे हैं क्योंकि शब्बीर भाई जो हैं हमारे ड्रेसिंग रूम के सबसे काम और सबसे सुकून और शाइस्ता गुफ्तगू वाले पर्सनैलिटी हैं. इस इनिंग की आखिरी गेंद है इनाम और बहुत ही अच्छा कमबैक इनाम का. ये सिर्फ एक रन बन पाएगा. कमाल बॉलिंग की इनाम ने इस दफा दाद देनी होगी. और पहला ही अच्छा आगाज अच्छी गेंद रन आउट हो सकते थे. डायरेक्ट हिट होती तो यकीनी तौर पर नुकसान उठाना पड़ता DHA दबंग्स को. जल्लाद खान बॉलिंग के लिए आए हैं और बॉल कर दिया. जल्लाद खान की एक अंदर आती हुई डिलीवरी इन स्विंगिंग डिलीवरी और इस तरह ये पहली विकेट हासिल की है. शानदार गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में लेकिन उतना ही अच्छा जवाब. एक शानदार एफर्ट चाहिए होगी इसको रोकने के लिए लेकिन नहीं कर पाए तो बिलाखिर कुफर टूटा. खुदा खुदा करके चौका निकाल लिया DHA के दबंग ने. और इधर कनेक्शन मिला यासिर को एक बार दबा फिर और गेंद को सीधा फील्डर की जाने खेल डाला. इस कैच को लेने में साकिब ने कोई गलती नहीं की. दूसरा नुकसान हासिल हुआ. दूसरे ओपनर भी डगआउट में वापस. और बिल्कुल ये एक कैच थामा है देख सकते हैं. फुल टॉस डिलीवरी इसको लॉन्ग ऑन बाउंड्री क्लियर करना चाहते थे लेकिन फील्डर ने कोई गलती नहीं की.
और इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं, देखना होगा फील्डर वहां पर मौजूद जरूर थे, लेकिन अब एक टिप्पा खाने के बाद बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, एक्स्ट्रा कवर पर 4 रन। चीयर लीडर भी आ गए यहां पर और कहीं ना कहीं एक माहौल है जिसे कहते हैं यहाँ, और ये बाउंड्री हासिल हुई, मच नीडेड बाउंड्री फॉर डीएचए दबंग, क्योंकि स्कोर उनका खासा कम दिखाई दे रहे हैं। शिराज ने इस बार ऑन साइड की जानेब स्ट्रोक खेला था और गैप बनाने में कामयाब है, बहुत कोशिश की थी लॉन्ग ऑन पे खड़े फील्डर ने, और इस बार प्रॉपर कनेक्शन हासिल ना कर पाए और विकेट गंवा दिया। इस तरह ये तीसरा नुकसान डीएचए दबंग को उठाना पड़ा। शिराज आउट होने वाले बैट्समैन कोशिश कर रहे थे चार्ज करते, लेकिन बहुत ज्यादा जो बॉल थी इनफैक्ट इस शॉट में जान नहीं रही और सीधा फील्डर के हाथों में चली गई है। इस बार मोइज ने ऑन साइड पे हिट मारी और आउट हो गए। इस तरह अब जब वो आउट हुए मोइज तो रन बॉल भी नहीं खेल पाए, जो सबसे बड़ा नुकसान रहा डीएचए दबंग का। ये दोनों बैट्समैन शिराज और मोइज मोमेंटम हासिल नहीं कर पाए और ये मुश्किलात बढ़ाती चली जाएंगी, क्योंकि अब भी 30 रन दरकार हैं आखिरी दो गेंदों पर पहले इनिंग के स्कोर तक पहुंचने के लिए। तो अब 30 रन तक तो पहुंचना मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन आखिरी दो गेंदों पर जितनी भी ये लीड कम करेंगे फायदा होगा। ये आउट होने का मंजर, मोइज ने ऑन साइड की जाने भेंट लगाई थी और मती का जश्न। इस बार अच्छा कनेक्शन यहाँ पे कवर, डीप कवर पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था, एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर गई। और एक और डॉट बॉल, इस तरह डीएचए दबंग की पहली इनिंग का इख्तिताम, 48 for 4, 71 रन स्कोर किए थे क्लिफ्टन गाजी ने। इस तरह क्लिफ्टन गाजी लीड हासिल करने में कामयाब हो गए। और आते ही चार्ज करना शुरू किया है, पहली गेंद पर क्या चौका हासिल हो जाएगा, गेंद आहिस्ता हो रही है, खुद तेज हुए फिर आहिस्ता, लेकिन आखिरी लम्हात में पिक करने में कामयाब हो गए हैं। फर्स्ट पर तबाह ऊंचा शॉट, बॉल फिजा में बुलंद, देखना होगा कि ये कैच होता है नहीं, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन हासिल हुए, बराबर करके रख दिया इस बड़े शॉट ने पिछले ओवर की शानदार बॉलिंग को, जल्द पिक किया। और आमतौर पर जो इस तरह के हेलीकॉप्टर शॉट ऑन साइड पे खेले जाते हैं, इन्होंने एलिवेशन कवर्स की जानिब दी और परफेक्टली इस गेंद को वो उठाने में कामयाब रहे, इतना डिस्टेंस काफ़ी था कि मार्जिनली बाउंड्री लाइन को क्लियर कर दी, मगर इस दफा बॉल हवा में बुलंद, फील्डर बॉल के नीचे, और क्या कहना चाहेंगे अकील, समझ से बालातर है कि फील्डर ज़्यादा एक्साइटेड था या मैं? नहीं, ये टेप बॉल की अपनी एक खासियत है, जो कि अगर दूसरी आपको लेदर बॉल होती तो इस अंदाज के शायद बाउंस ना मिलता, जो कि गेंद को बाहर ले जाता। बाउंस लेने के बाद गेंद ने बड़ी उछाल हासिल किया, जिसके बाद इसके करीब पहुंचने में कामयाब ना हो सके, और पहली दफ़ा में पिक ना करना तो गलती थी, लेकिन उसके बाद से ये देखने में तो मज़े का खेस लगा है, लेकिन इनको कोई आइडिया नहीं था कि गेंद कहाँ जा रही हो, इतनी ऊँचाई पर चली गई थी कि वो उसको रोकने में कामयाब ना हो सके। बड़े भरपूर अंदाज से खेलना चाहते थे और उस पर तो बोल्ड कर दिया, शानदार कमबैक नाइम का, दोबारा बड़ी शॉट की तरफ जाना चाहते थे। मजबूरी बर्तरी 38 रन की, जो कि अब ज्यादा हो जाएगी, फुल टॉस मिली है और इसको जेट फ्यूल दे दिया मुजम्मिल ने, दूसरी गेंद पर मैक्सिमम हासिल किया है, तो अच्छे ओवर का बिला हर एक खराब इख्तिताम हुआ। और फुल टॉस का भरपूर इस्तेमाल करते हुए बॉल को लगाया ठिकाने, ये
गेंद हवा में स्विंग हुई लेकिन उतना ही करारा जवाब दिया और उसे अच्छी कोशिश कैच की गई लेकिन ड्रॉप कर बैठे। ये सब कुछ हो रहा है सर अली शाह स्टेडियम में। मुश्किल काम कर लिया था जो कि आधे से ज्यादा था, इसको ठीक फिनिश करने की जरूरत थी मगर ये ना हो सका। और एक और ऊंचा शॉट, देखना ये है कि फील्डर बॉल के नीचे आके कैच कर पाते हैं नहीं। रिकॉर्ड कैच छोड़ा, मतलब कंसिस्टेंट तीन कैच छूट चुके। वैसे ये फील्डिंग के ऊपर काफी ध्यान देना होगा किलिन को। और इस दफा फ्लिक किया बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, एक टपक खाके चार रन के लिए। ऊंचा उड़ता हुआ शॉट, देखना यह है कि फील्डर इस दफा बॉल को कैच पर पाएंगे या नहीं। और बड़ा शानदार कैच, इवेंचुअली जिशान मस्ट बी अ वेरी हैप्पी गाय। चौथी अटेम्प्ट में जाकर के कैच हुआ है। बिल्कुल ये आउट का मंजर कि किस तरह से आउट हुए। और इनाम के कैच की बात कर रहे थे अकील समर, और ये देखिए सबसे मुश्किल कैच, नो डाउट सबसे मुश्किल कैच उन्होंने कैच किया जबकि पिछले तीन कैच को ड्रॉप किया। बाल बाल बचे हैं, माय गुडनेस, ऐसा लगता है कि इंचेस से बॉल रह गई है। ये परेशानी बिल्कुल सही है और अपनी किस्मत को जो ये सोच रहे हैं कि इंचेस से रह गई बॉल स्टम्प्स को, जो कि बिल्कुल उसके पास से गुजर गई। बहुत क्लोज, बहुत क्लोज, लकी रहे मुजम्मिल कामों की और इसके साथ साथ चार रन्स भी मिले। और स्लो बाउंसर था, इसको खेल दिया फाइन लेग की जानिब, बहुत ही कमाल टाइमिंग का मुजाहरा किया है और चार रन यहां पर हासिल किए। इस बार उठाकर खेला है और गेंद हवा में है, काफी ऊंची गई है ये गेंद, लेकिन फील्डर ने कोई गलती नहीं की इस कैच को लेने के लिए, जवाब के जिन्होंने इस कैच को लिया है और इस तरह विकेट हासिल कर लिया है यहां पर कीमती विकेट, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि दोनों ही बैट्समैन अच्छी खासी हिटिंग करने के लिए जा रहे थे। एक ऊंचा शॉट खेला था। जी हाँ बिल्कुल, और इस दफ़ा दाद देनी होगी फील्डर को, बिल्कुल बॉल के नीचे आए, कोई गलती नहीं की। और इस दफा लगता है कि मुजम्मिल कामोकी का बल्ला खुल गया और शानदार छक्का और उनका लाठीचार्ज शुरू हो गया। ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत शॉट था, बिलाखिर अपने हाथ जो हैं वो जाते जाते यहाँ पर खोल लिए हैं। एक शॉट गेंद थी, इसका पूरा पूरा फायदा उठाया है, स्टेडियम से बाहर जाके इस गेंद को फेंक दिया है। और मुजम्मिल कामों की ये बुलंदो बाला फलक शगाफ, शानदार छक्का। अपनी जगह पे खड़े खड़े बॉल की लाइन और लेंथ को पिक किया और उठाकर खेला, बॉल गई है स्टेडियम से बाहर, जो ट्रांसफार्मर मौजूद है मुझे लगता है वहां जाकर लगा है। बहुत खूबसूरत शॉट था। इस दफा इसको खेले हैं लॉन्ग ऑन की जाने, फंबल हो गए और आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया, ऐसा लगता है कि टारगेट 100 रन का हो जाएगा। जी आपको बिल्कुल सही लगता है, इस दो रन के बाद 99 पे स्कोर पहुंचा है और 100 रन का टारगेट जो है वो अब ये मैच जीतने के लिए मिला है डीएचए दबंग की टीम को। इनिंग का आगाज हो जाता है, पहली बॉल पर ही बड़ी शॉट मारना चाहते थे। कनेक्शन हासिल हुआ है, करारा जवाब दिया है यासिर ने और गेंद एक चिपा खाने के बाद लर्जा तारी करते हुए गाजी के कैंप पर दबंग अंदाज से बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। तो पहली गेंद पर इफेक्टिवली 6 रन बना लिए हैं पहले वाइट और अब ये चौका हासिल किया, जल्लाद को लगाया है और मजीद ऐसी क्रिकेट देखने को मिलेगी यहाँ पर, सबको चीरती हुई एक दाएं एक बाएं
गिरा, लेकिन गेंद ने रुकने का नाम नहीं लिया और हमारे कमेंट्री पोजीशन के बिल्कुल नीचे आकर उसने सुखा सांस लिया है। और इस मरतबा ऑन साइड की जानब खेले, फील्डर के ऊपर से बॉल तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए। और एक और शॉट ऑन साइड की जानब खेले हैं, बड़ा तेजी के साथ ही शॉट खेला, अच्छी फील्डिंग की कोशिश कर रही थी मगर बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, छह रन के लिए। यासिर को रोकना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। जल्लाद खान को एक इन्होंने गैम्बल किया था दूसरा ओवर भी देके, लेकिन क्रीज का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन चिपक के इन्होंने स्टंप्स के साथ इस शॉट को एग्जीक्यूट करने की ठानी। एक ऊंचा शॉट, इस मरतबा बॉल यकीनी तौर पे स्टेडियम से बाहर या बाउंड्री लाइन से बाहर, क्या कहना चाहिए अकील? कराची से बाहर तौकीर। अरे वाह वाह, ये शॉट यकीनन लर्जा तारी कर देगा अपनी हरीफ टीम पर। DHA इज दबंग दिस नाइट इन कराची। और इस मरतबा ऊंचा शॉट, बॉल हवा में बुलंद और फील्डर ने फाइनली ये कैच किया, बड़ा शानदार कैच कहना होगा कील, क्योंकि इतना तवील अरसे तक हवा में गेंद रहने के बाद इस फील्डर ने ऐसा लगता था आसानी इस कैच को किया। ने आपको खेमा जन करके इन्होंने परफेक्टली इस गेंद को कैच कर लिया, कुछ तमानियत जलाद को जरूर मिली होगी। और अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग मतीउर रहमान की जानिब से, यहाँ कॉटन बोल्ड हुए और यहाँ विकेट हासिल करी मतीउर रहमान ने, काफी हाइट पर आई और इजी कैच कीपर के लिए। इस मरतबा उल्टा हुआ शॉट, बॉल यकीनी तौर पे बाउंड्री लाइन के बाहर, इकबाल कासिम स्टैंड पर, छह रन के लिए। एक और बड़ा लंबा छक्का लगता है लगाने में कामयाब रहे हैं और ये बॉल जो है वो स्टेडियम से बाहर गई है, तो बैक टू बैक दो छक्के यहां पर लगा दिए हैं। और ये कवर्स की जानिब खेले हैं भरपूर अंदाज से, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, कोशिश की थी फील्डर ने मगर छह रन हासिल किए, मगर ये छह रन काफी नहीं है, मंजिल अभी बहुत दूर है। और एक और ऊंचा शॉट, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर यकीनी तौर पे छह रन के लिए, बैक टू बैक बाउंड्रीज, जबरदस्त हिटिंग नईम की जानिब से। आखिरी छः गेंदों पर ये वो फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस के जिसको पिक किया और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को क्लियर करते हुए छः रन यहाँ पर नईम ने हासिल कर लिए हैं। सो आखिरी गेंद इस मैच की, नईम जो एक बार फिर हमने देखा कि खुल के इस पर शॉट नहीं खेल सके, लॉन्ग लेग की जाने बॉल जा रही है कि जहाँ पे फील्डर मौजूद हैं, और इस तरह से ये जो मुकाबला है ख़त्म हुआ और 19 रन्स हमने देखा जो चाहिए थे, 18 रन्स का मतलब ये जो मैच है अब अपने नाम कर लिए, क्योंकि 99 यहाँ पर बनाए थे